सुखी नदी से परम सत्कार योग उपस्थित साध संगत जीओ, इस संसार नूं चलाउण दे लई दो नीतियां संसार दे विच काम कर रही ने। एक है राजनीति, ये भी संसार नूं कंट्रोल करती है, ते इहदे मुकाबले दे उत्ते साडे साधु महात्मा ने गुरु साहिबाना ने धर्म नीति कायम कर दित्ती। करती यह भी कंट्रोल है संसार नूं, दोवें नीतियां कंट्रोल कर दियां ने, पर इन्हां दा सुभाव वखरा वखरा है। एक माता है, उहदा एक छोटा जिहा बेटा है। दिवाली का त्यौहार आया, माता ने बहुत सोहने सोहने बर्तन लिया के बाजारों चौंके दे विच सजा के रख दिते ने। बच्चा जिदे पै गया कहिंदा, माता जिहड़े बर्तन लियाई है ना, यह मैं तोड़ देने, मैं रहन नहीं देने। जिदे पै गया बेटा, माता ने बहुत समझाउण दा जतन कीता, बेटा बर्तन तोड़न वाली चीज नहीं, इह तां कोई प्रौहणा आए ते इहनूं शिकाई दा आए दे विच पा के, बहुत नाले पैसिआं दे आए ने, इह तोड़न वाली चीज नहीं। पर बच्चे की जिद सी, कहिंदा नहीं मां मैं तोड़ देने। जां तोड़न लई इह गांह वधिआ, माता ने दो थप्पड़ मार दित्ते मूँह दे उत्ते, एक इस पासे ते एक दूसरे पासे। हुण बच्चा बर्तन तोड़न तो ते हट गया, पर उहदी रुचि नहीं बदली। रुचि अंदर उही है, कहिंदा माता बाहर जाएंगी ना फिर तोड़ांगा, बाजार ते जाएंगी कहिंदा फिर बर्तन तोड़ांगा, रुचि नहीं बदली। यह है राजनीति। जदों कोई मनुखे की उलंघना कर दिंदा है जां किसी कानून नूं भंग कर दिंदा है, ते थप्पड़ मार दिंदी है मूँह ते। और ध्यान रखना, कभी भी थप्पड़ मारन दे नाल किसे इंसान की रुचि नहीं बदली, कोई रुचि नहीं बदल सकिया थप्पड़ मारन दे नाल। ते दूसरे गवांड विच एक होर माता है, उहदा भी एक छोटा जिहा बेटा है, वह भी देख के आया ना गवांड विच, कहिंदा माता मैं भी तेरे तोड़ने बर्तन अज, बड़ा सवाद आउंदा। दूजा मुंडा कहिंदा पिया असीं बर्तन तोड़ने हैं। इस माता ने भी जतन किया समझाउण दा कि बेटा बर्तन तोड़ी दे नहीं, ये तोड़न वाली चीज नहीं, बहुत कीमती ने, बहुत पैसों के आते है। पर बच्चा सी रीस कर रहा सी, ता जदों ये तोड़न लई अगां वध्या, ते इस माता ने कहा बेटा देख मैं ना तेरे लिए कल लड्डू लियाई हैं बाजारों, जलेबियां लियांदियां ने, बड़े पदार्थ लियांदे ने, नाले मैं कल ही संतां कोलों कथा सुनी है, कहानी सुनी है, वह तेनों कथा सुनानी है,
माता ये माता कह रही है, इस माता ने उस बच्चे दे मुंह विच लड्डू पा दिता है, कन विच कहानी पा दिती है, ते बच्चे दी रुचि बदल के रख दिती है, बच्चा बर्तन तोड़ नहीं भुल गया। ये है धर्म नीति। यह जिथे असी बैठे हुए हैं इसनू धर्म नीति कह। विद्वाना ने इत्थे थप्पड़ नहीं मारिया जाता, इत्थे प्रमाण दिते जाते ने, सजना तू आ काम कर लै, आ चंगा ही गुरबाणी दे विचों प्रमाण दिते जाते ने, कथा सुनाई जाती है कि बेटा कि सजना आ काम कर लै तेरे लिए आ चंगा ही, जे इस तरह कर ले तो आ वधिया ही, जे इस ढंग नाल कर ले तो होर भी वधिया ही। प्रमाण दिते जाते, थप्पड़ नहीं मारिया जाता। सो असी मेरा कहण तो भाव इत्थे सिक्ख्या लैण दे लई बैठे हुए हाँ, तो सिक्ख्या असी तां लै सकदे हाँ जे असी आपो अपनियां मनोबिरतियां गुरु चरणा नाल जोड़िए, रसना नूं करिए पवित्र। एक बार सब गज के कहिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह गरीब। एक बार उस सतगुर नूं याद करिए जिन्हां दी छत्र छाया दे हेठ बैठ के असी ये देवपुरी का आनंद माण रहे हैं, नाम सिमरन करके, गुरबाणी पढ़ के, कथा कीर्तन सुन के, सेवा करके अपना जीवन सफला कर रहे हैं। उस सतगुर नूं याद करिए तो गज के कहिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। हुण मैं मुड़ा अपने विषय दे वल। मनुख दे साडे गुरु साहिबां ने पंज वैरी दसे ने गुरबाणी दे विच, काम क्रोध लोभ मोह ते अहंकार, जिदे विचों अज मैं एक वैरी जिसका नाम है मोह, इहदे उत्ते कुछ कु अर्जां करनियां ने। ते मेरे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह इहदी सिफत करदिआं कहिंदे ने हे अजित सूर संग्रामंग अत बलना बहु मर्दना, गण गंधर्व देव मनुख्यंग पस पंखी बेमोहना। सिफत करदिआं कहिंदे ने हे मोह तू ना जिते जान वाला है, तू वड्डे वड्डे रिखियां मुनियां हठियां जपियां तपियां नेमियां बलियां नू मोह लैण वाला है, तू गण गंधर्वां देवतियां मनुखां सब नू मोह लैण वाला है। ये तो गल कर रहा मैं मोह दी, पर विचारो साध संगत जी, पंज वैरी दसे ने मनुख ते कल्ला एक दा मुकाबला करन दी समर्था नहीं रखदा। जे किते पंजे वैरी इकट्ठे होके एक मेरे वर्गे गरीब जी दे उत्ते धावा कर दें, फिर तो बचे बचावे राम वाली गल ही है। इसे लई पातशाह मेरे पातशाह बार बार पुकार कर रहे ने, बार बार पुकार कर रहे ने, तो की कह रहे ने, आओ आप रल के गाइए। जी पंच बेखादी एक गरीबा, पंच बेखादी एक गरीबा, पंच बेखादी पंच बेखादी एक गरीबा, पंच खेत करै अर बहुत संतावै, खेत करै अर बहुत संतावै, आयो सरन तुहारे, मैं आयो सरन तुहारे, पंच बखादी एक गरीबा, पंच बखादी एक गरीबा, खनहारे बेनती पातशाह। गल कर रहे हैं इस मोह की, इस संसार की सजना सियाणिया अखियां दे नाल वेख्या जावे तो पता इहो ही लगता है कि हर एक जीव इस मोह दे विच फसिया होया। भावें कोई दो लत्तां वाला जानवर है, भावें कोई चौ लत्तां वाला है, भावें कोई ढिड दे भार रेंगण वाली जून विच है, तो भावें परां दे आसरे आसमान दे विच उडारियां लाउण वाली जून विच है, हर एक जीव इस मोह दे विच फसिया होया है। इस मोह ने दुनिया के कोने कोने दे विच अपना पसारा किया होया। गऊ दे सारा दिन घा खांदी ते दंद कस जांदे ने, पर दुध दा भरिया होया हवाना लैके अपने बच्चे दे सामने खलो जांदी है ते उसनू तृप्त कर दिंदी है। साध संगत जी, इसे तरह बांदरां दी जात संसार दे विच सब तो ज़्यादा चंचल मन्नी गई है। संसार दे विच
पर कहा जाता है कि जदों किसी बांदरी का बच्चा मर जाता है तो वह उसके करोंग उन्नी देर छाती नाल लाई रखती है जिनी देर दूसरे बच्चे नूं जन्म नहीं दे दिंदी। कितनी कमाल की गल है। यह मोह की लीला किसी कवि ने जानवरों के विच वेख लई। उन्हें चार लाइनां लिखदियां कहिंदा जानवरों के विच भी किन्ना मोह दा पसारा। कवि लिखता है पौंदी एली आकाश ते देख मुर्गी बच्चे पैरां दे हेठ लुकाम दिए मोह बच्चियां दा कर बकरी दी जंग नाल बगियाड़ मचाम दिए। कहिंदा घर किसे दे सप जां चोर आवे मां काको रोला झट पाम दिए पुत पिछा हटाम दी बांह फड़ के पिंडा हो अगे फंद लाम दिए। इन्नी मोह दी मोह वेख्या। स्वामी तुलसीदास जी कहिंदे ने किसी ने तो बैरी दसिया ना वह कहते रोग है। स्वामी तुलसीदास जी कह रहे ने रामायण दे विच कहते ने मोह सगल ब्यादन कह मूला जिस ते उपजै बहु बेदसूला। भाव है मोह रोग कई बीमारियां की जड़ है तो ये तो कई तरह के रोग पैदा होंगे ने। सच पुछो तो सजनो इस मोह ने जिधर भी मूह किया बस खाली करके रख दिता कुछ ना पले रहन दिता वड्डे वड्डे रिखियां मुनिया दे। किसे कवि ने लिखिया है कहिंदा संसार सारा ही मोह दे विच लिप्त होया फिरदा है लिपटिया फिरदा ते की कहिंदा है मोह माया दे नाल ये दुनिया चिपटी रहिंदी है। मोह माया दे नाल ये दुनिया चिपटी रहिंदी है। लुकाई लिपटी रहिंदी है। इस मोहे देवी देव एदा अजब पसारा है एदा तरना कठन महान मोह दा सागर भारा है। इत्थे मैं गल करनी है उस रिखी दी जिस बारे भाई गुरदास जी ने बड़ा वधिया लिखिया। कहिंदे जम दे बारह वरे गर्भास वस जम दे ही सुख लई उदासी। सुखदेव मुनि जी जिन्हां नूं ब्रह्मा जी दे पुत्र होण दा मान सुभाग प्राप्त होया और जिन्हां बारे कहा जाता कि जमदे माया तो विरकत सन जदों गुरु धारण करने लई राजा जनक जी दे पास गए तो अपनी लंगोटी अते तुंबी बार ड्योड़ी विच किली दे उत्ते टंग गए जाके नमस्कार कीती। राजा जनक जी का राजसी ठाठ देख के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि मैं इनू गुरु बनाउण लगा। ता राजा जनक जी ने अपनी ब्रह्म अवस्था विखाउण दे लई शहर विच अग लवा दित्ती। चारे पासों मच गए सड़गे दियां आवाजां आ रहियां ने। ता सुखदेव जी पर राजा जनक जी अपने सिंघासन ते अडोल बैठे हुए ने। यह वेख के सुखदेव बहुत हैरान होए कहण लगे कि अग बुझाउण दा कोई यतन नहीं किया जा रहा। जदों यह पता लगा कि अग ड्योड़ी कोल पहुँच गई है जिथे सुखदेव जी अपनी लंगोटी अते तुंबी टंकी आए ने तां मोह ने मारिया ललकारा। सजनों पैर उखेड़ के रख दिते सुखदेव जी दे। सुखदेव जी उठ के दौड़े हाए मेरी लंगोटी ते तुंबी। तां पिछों राजा जनक जी ने आवाज दिती सुखदेव तू अपने आप नूं बड़ा वड्डा त्यागी ते वैरागी समझदा सैं। तू ते दो पैसे की लंगोटी अते चार पैसे की तुंबी का
त्याग नहीं कर सकिया। तू कहता है मैं माया तो निर्लेप हाँ। इस तरह साध संगत जी इस मोह ने सुखदेव मुनि जी दे पैर खेड़ के रख दिते। इसलिए मैं पढ़िया सी मोह माया दे नाल ए दुनिया चिपटी रहंदी है, मोह माया दे नाल ए दुनिया चिपटी रहंदी है, महात्मा बुद्ध जी बारे कहा जाता है भारत भूमि के त्यागियों विचों सब तो वड्डा त्यागी मन्या गया महात्मा बुद्ध जी नूं। किसे कवि ने बड़ा वधिया लिखिया कहिंदा जदों इन्हां नूं ज्ञान होया ते की होया, कहिंदा छाका मुनि गौतम जी दे हिरदे अंदर जदों पैदा ज्ञान दा नूर होया, रोगी मुर्दे ते बिरद नूं देख करके पड़दा माया दा अखियां तों दूर होया, सोचन लगा के छड़ के मैल शाही काली जंगली जोग कमौन चलिए, पित माता पिता ते स्त्री पुत तज के हो जंगला निर्वाण चलिए। कहंदे ने जंगलां नूं जाया जाए, विचार आई मन दे विच तां इत्थे भी मोह ने अपना कम कीता, पैर थिड़क गए साध संगत जी महात्मा बुद्ध जी दे। फिर विचार आई मना पिछों माता पिता ते स्त्री पुत्र दा की हाल होवेगा, पिता दे प्यार अते माता दी गल वकड़ी चों अपने आप नूं छडाउणा बहुत कठिन दिसिया साध संगत जी। इस्त्री दियां चीकां अते पुत्र दा लत्तां नाल चंबण दा मालूम होया ते जंगल वल जाना बहुत कठिन लग्या। अखीर कई दिन सोचा सोचन तो बाद एक दिन मन नूं पक्किया कीता ते कीता कि किसे कवि ने लिखिया कहिंदा होर ते कोई चारा नहीं चलिया। कवि लिखदा सोचा सोच आखर राती उठ चोरी टबर त्याग के तोड़ जंजीर निकले, सुती नार ते पुत नू प्यार करके तुरन लगिया नैना चोनीर निकले। बहुत औखा लग्या साध संगत जी जाना, इस मोह दियां तड़ावां नू तोड़ के अखीर महात्मा बुद्ध जी घरों निकले और ज्ञान की प्राप्ति की। इसे लई किसे कवि ने लिखिया कहिंदा मोह माया दे नाल ए दुनिया चिपटी रहिंदी है, झूठा है संसार लुकाई लिपटी रहिंदी है, इस मोहे देवी देव इस मोह दा अजब पसारा है, इहदा तरना कठन महान मोह दा सागर भारा है, इस मोह दे मोहे देख पैगंबर बनदे घोड़े ने, इस मोह दे मोहा किसे ने रूप बसंत विछोड़े ने, इस मोह दी खा के मार किसे ने राम नूं घर चों कढ दित्ता, इस मोह दे आखे लग किसे ने पूर्ण अपना वड़ दिता, इस मोह ने मच्छी मरनी नूं लोहे दा चना चुबा दिता, इस मोह ने चकवी चाकर नूं जागण दा वल सिखा दिता, इस मोह ने खेडी खेड चकोरा चबिया कोले तत्ते नूं, इस मोह दी चाले चढ़िया बांदर खेले खेल वत्ते नूं, इस मोह चो रहे सुतंत्र ओ कोई विरला ही पुत मांदा है, उहदे दर्शन पार उतारन डंका वजदा उहदे नां दा है। इस मोह ने किसे नूं नहीं बख्शिया सजनों, गल करां इहदे विचों सिर्फ एक पंक्ति दी, इस मोह दे मोहे देख पैगंबर बणदे घोड़े ने। मुसलमाना दे पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब दी बेटी बीबी फातिमा दे दो बेटे हसन अते हुसैन जदों इह बचपन विच छोटे सी तां एक दिन अपने नाना जी नूं कहण लगे, नाना जी कवि लिखदा है ईद के दिन हजरतों से कहने लगे हुसैन, नाना जी मंगवा दो जन्नत से घोड़ा मुझे। कहंदे ने नाना जी जन्नत तो घोड़ा मंगवा के दियो, तां अगों हजरत मुहम्मद साहब की जवाब दिंदे ने, कहंदे ने हजरतों ने यूं कहा मेरे कंधे पर
चढ़ो और नन्ने नन्ने मुख से कहते चलो घोड़ा मुझे। हुसैन ने एक गल सुन के कहा नाना जी मन ली गल तुहाडी तुसीं घोड़ा बन जाओगे मैं सवारी कर लवांगा ते लगाम दी थां की पकड़ांगा। ता हजरत मुहम्मद साहब जवाब दिंदे ने बेटा जुल्फ मेरी बांध लो अगर चाहिए तुझे लगाम। मैं चल पड़ूंगा बेवजन जिस तरफ तू मोड़ा मुझे। कहंदे ने बेटा जिधर नू मोड़ेंगा चल पवांगा। इतिहास दसदा है कि मुहम्मद साहब मोह दे अधीन होके घोड़ा बने हुसैन ने सवारी की और इथों तक भी कहा जाता है कि हजरत मुहम्मद साहब ने हिणक के घोड़े की तरह आवाज भी कढ़ी। इसलिए कवि ने लिखिया कहिंदा मोह माया दे नाल ए दुनिया चिपटी रहिंदी है। मोह माया दे नाल ए दुनिया चिपटी रहिंदी है। मैं गल कर रहा सा संगत जी दुनियावी पक्ष तो हुण मैं इस दे मुकाबले ते भाई गुरदास जी लिखते ने कहते ने सतगुर सच्चा पातशाह बेपरवाह अथा सुहाबा ते नाओ गरीब नवाज है बेमोहताज ना मोह महाबा। गल कर रहा मोह दी अज करतारपुर दे विचों श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत सुधार दे लई घरों चले ने ते तुरन लग्या मोह इस्त्री अते बच्चियां दे रूप विच सामने आ खलोता। मोह ने फिर आवाज दित्ती नानक जाना किथे है पर एक बार सब गज के कहो धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह। श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह इस मोह दियां तनावां नूं तोड़दे होए टब्बर दा त्याग करके चिट्टे दिन आ गए आ गए। सजनों घर छड्डने बहुत ही औखे ने भावें घर वापस परत आना ही सी। किसे कवि ने लिखिया कहिंदा है जदों गुरु नानक देव तुरन लगे पर गुरु नानक जदों तुरन लगा चिट्टा चानना हाजर परिवार है सी सारा पिंड संबंधी समझाउण वाले सस कर रही हाल पुकार है सी जोड़ी पुत्रा दी चंबड़ बा गई है ना जाओ पिताजी कहंदी वार वार है सी पति व्रतार तंगी दो चरण फड़ के रही डोलिया सूजा रो जा कहंदा आप एपर अडोल गुरु दा हिरदा डोलिया ना बोले आ गया हुक्म करतार दा ए नारी पुत्तां दे सुख नूं वार के ते करना दूर दुख सारे संसार दा ए। मोह दियां तनावां नूं तोड़दे होए श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह घरों निकले और सारे संसार दा उद्धार कीता। हुण मैं गल करा एक बार गज के कह दिओ धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह गरीब नवाज। अज श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह 40 सिखां दे समेत 2 साहिबजादियां समेत चमकौर दी गढ़ी विच मुसलमानी फौजां द्वारा घेरा पिया होया। तां साहिबजादा अजीत सिंह ने दशमेश पिता कोलों जंग दे मैदान विच जाण दी आग्या मंगी। तां दशमेश पिता ने मोह दियां तनावां नूं तोड़दे होए अपने पुत्तर नूं हस के जंग दे मैदान वल तोरिया और पातशाह की कहंदे ने मेरे लाला तो महंगिया मोतिया वे आप तेरे ते नवी चढ़ाउण लगा मेरे दुद्धा दे पालिया मखना वे तैनू पत्थरां दे नाल टकराउण लगा मेरे चंद्रमा तो चिट्टे चानना वे तैनू ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਚਮਕਾਉਣ ਲੱਗਾ
मेरे सेरिया वाले आ बिना सायो लाड़ी मौत नाल तेनू ब्याण लगे। इस तरह दशमेश पिता ने पहला साहबजादा अजीत सिंह नू उस तो बाद साहबजादा जुझार सिंह नू जंग दे मैदान वाल तोरिया मोह दियां तनावां तोड़दे होए और अपने पुत्रां नू अपनी अखां दे सामने शहीद हुंदा वेख्या। एक बार मैं सिर्फ एक साखी होर आप जी दे चरणा विच रख के समाप्ति करनी है। एक बार गज के कहो धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह गरीब राम। श्री सतगुरु राम सिंह जी ने श्री सतगुरु गोबिंद सिंह जी की साजी हुई सिखी नू पतित होया वेख्या और सिखी नू मुड़ सुरजीत किया। लोकां विच ऐसी नवी रूह फूक दिती कि ऐसा जोश भर दिता कि श्री सतगुरु राम सिंह जी के सिखा ने अपने शरीर नाल भी मोह ना किया, शरीर नालों मोह तोड़ के रख दिता। गल करां उस बालक दी जिहदा नाम है बिशन सिंह। 12 साल की उम्र का लड़का है, मलेरकोटले के शहीदी जथे दे विच खड़ा है। कावन की मेम ने वेख्या कहिंदी कावन होश कर, हकूमत के नशे में चन्ना ना होया फिर। एडे मासूम बच्चों के उत्ते वार करना कोई धर्म इजाजत नहीं दिंदा, कोई कानून इजाजत नहीं दिंदा, कोई ग्रंथ इजाजत नहीं दिंदा। मेम की यह गल सुन के कामन ने कहा ठीक है मैं छड़ दिना पर इसनू कुछ लिख के बयान देने पैणगे। जदों बिशन सिंह की माता ने अपने पुत्र नू इस तरह थड़कौंदिया वेख्या ते उसने मोह दियां तनावां तोड़दे होए बिशन सिंह नू अपने कोल सद्या ते समझाउंदी की है। कहिंदी है बेटा मेरी कुख नू दाग ना लाई, आओ आपां एक बार रल के पढ़ लईए। किवें समझाउंदी है, कर कुर्बानी पुत्रा डुबदी कौम बचाउनी है, कर कुर्बानी पुत्रा डुबदी कौम बचाउनी है। एक लख कष्ट पाए सैना तू है सिद्क ते डट के रहना, पाने लख कष्ट पाए सैना तू है सिद्क ते डट के रहना। लाड़ी मौत ब्यौनी है, कर कुर्बानी पुत्रा दुखदी कौम बचाउनी है, कर कुर्बानी पुत्रा दुखदी कौम बचाउनी है। तेन परखन दी आई बारी मैं जावा तेरे तो बलहारी, तेन परखन दी आई बारी जावा तेरे तो बलहारी। बिसकी रख बखानी कर कुर्बानी पुत्रा दुखदी कौम बचाउनी, बिशन सिंह अपनी मां कोलों उपदेश लैके कामन कोल गया। कामन ने फिर समझाउण दा यतन कीता, बिशन सिंह तेरी उम्र की है, तू संसार दे विच वेखी की है, जा लिख के दे दे ते घर चला जा।
जदों कामण दियां इन्हां गल्लां दा बिशन सिंह ते कोई असर ना होया ते धमकाउण दा यतन किया गया। डरावे दिते गए बिशन सिंह, तू जानदा नहीं मैं तोप दे सामने तैनू बन के उड़ा देंगा, कामण ने कहा। तो अगों बिशन सिंह जवाब दिंदा है, कवि बालम जी ने बहुत ही सोहने शब्दों के लिखिया, कहिंदा तोपां दे अगे उड़ा दे तू मैनू, शहीदां दी बस्ती पहुँचा दे तू मैनू, तू मैनू शहादत का प्याला पिला दे, अर्जन गुरु जी की बस्ती पहुँचा दे, मैं हर टाइम हर पहर हर पल कहांगा मैं सिख हाँ गुरु का ते सिख ही रहांगा। कहिंदा मैं बालक नहीं ना समझी आना, मैं आशिक आजादी का तैथों से आना, मैं हाँ नाम धारी पक्का नाम धारी, गुरु राम सिंह जी तो जिंदड़ी है बारी, मैं 100 बारी सिर उत्ते शस्त्र सहांगा, मैं सिख हाँ गुरु का ते सिख ही रहांगा। ऐसा रुग कावण दी दाढ़ी नू पाया, खिच के हेठां नू जिमी ते वगाया, कहिंदा फेर कहेंगा छड़ दे सिखी नू, अपने दिमागों तू कढ दे सिखी नू, मैं तैनू जहानम दे विच पहुंचांगा, मैं सिख हाँ गुरु का ते सिख ही रहांगा। ते होया कि कहिंदे लगे ने छुटावण ते दाढ़ी ना छड़े, आखिर बहादुर दे फड़ हथ वड्डे, लई तेग तिखी तलों सिर उड़ाया, जाते हुए सिख ने यह बचन सुनाया, मैं बालम शहीदां दे विचकार बहांगा, मैं सिख हाँ गुरु का ते मैं सिख ही रहांगा। कमाल करके रख दित्ती साध संगत जी, बच्चे दे हथ पता नहीं लोहे दे जंबूर बन गए सी, गुट्टा ते वार करके गुट वड दिते गए, फिर उस तो बाद सिर ते शीस ते वार करके सिर धड़ नालों अलग कर दिता गया। देखने आए लोगों के मूँह में उंगलां पईयां रह गईयां ते की कहिंदे ने, वाह सतगुरु राम सिंह धन तू ते धन तेरे सिख, आओ आप रल के पढ़ लीए। वे तेरे सिखां दे सिदक वाली हद हो गई, वे तेरे सिखां दे सिदक वाली वाली हद हो गई, तेरे सिखां दे सिदक वाली हद हो गई, तेरे जेड़ी कीती कुर्बानी वे हथों बद हो गई, जेड़ी कीती कुर्बानी वे हथों बद हो गई, तेरे बद हो गई हथों बद हो गई, तेरे सिखां दे सिदक वाली हद हो गई, तेरे सिखां दे सिदक वाली हद हो गई, तेरे सिदक वाली हद हो गई, जेड़ी कीती कुर्बानी हदों वद हो गई। इस तरह 12 साल की उम्र के बिशन सिंह ने अपने शरीर नाल भी मोह ना किया साध संगत जी, और हसते हुए शहीद शहादत का जाम पीता। एक था पातशाह लिखते ने, कहते ने, जिन मेल मारे पंच सूरबीर ऐसो कौन बली रे। ये श्री सतगुरु राम सिंह जी के सिखा ने सजनों प्रत्यक्ष कर विखाया। ते असी हुण विचार ये करनी है कि असी कित्थे कु पहुंचे हैं, साडे विचों मोह किन्ना कु गया। साध संगत जी सच पुछो, अजे मसा अद्धा घंटा ही होया ना, मेरा तो स्टेज नाल मोह बड़ा हो गया, छड्डन नू दिल नहीं करदा। कहण तो भाव गुरु की कृपा तो बिना
मनुख की सोच दे नाल इन्ना पंजा वैरियां दे नाल नहीं लड़िया जा सकता, क्योंकि मनुख ते कला मुकाबला करन दी समर्था नहीं रखता। सतगुरु की शरण में जाके इन्ना पंजा वैरियां दे नाल मुकाबला किया जा सकता। पातशाह लिखते ने, कहते ने, काम क्रोध यार लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरनागति कर प्रसाद गुरुदेव। भाव गुरु की शरण में जाके ही इन्हां पंजां दे नाल मुकाबला किया जा सकता है। मैं आप जी अगे भी बेनती करनी है कि हर रोज सवेरे उठ के सतगुरु जी के चरणों में अरदास करया करो, हे सच्चे पातशाह इन्हां पंजां वैरियां तो रखिया कर। आओ आप भी एक बार बेनती कर लीए, एक पासे मेरे वीर ते एक पासे मेरिया भैणा, सारे रल के गाइए फिर समाप्ति करांगे। पंजा तो सानू रख ले, पंजा तो सानू रख ले। मेरे नाल साथ संगत जी सारिया इकट्ठा होके गाउणा, पंजा तो सानू रख ले, पंजा तो सानू रख ले। तेरी शरण बिच आए, तेरी शरण बिच आए, पंजा तो सानू रख ले, पंजा तो सानू रख ले, पंजा तो सानू। तेरी शरण बिच आए, तेरी शरण बिच आए, पंजा तो सानू रख ले, पंजा तो सानू। सो मैं इन्ने कु शब्दों के नाल कह के आप जी पासों खिमा मंगनी है। जे किसी की शान के खिलाफ कोई अयोग शब्द वरत्या गया होवे तां माफ करना। सतगुरु जी की कृपा के नाल ही यह सारी मास्टर मेरे उस्ताद मास्टर दर्शन सिंह जी ने सानू मेहनत कराई और उसका नतीजा आप जी के सामने है। जे इस तरह मेरे सतगुरु जी की बख्शिश होंगी रही तो एक दिन असी इन्हां पंजां वैरियां के उत्ते जित पा लवेंगे। सो मैं इन्नियां कोई अर्जा करता होया आप जी पासों खिमा मंगदा है।